हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो आज लेकर आए हम आपके लिए घड़ी का दूसरा टाइप। जैसे कि हमने आपको पहले टाइप में बता दिया था घड़ी का कैसे निकालना है कैसे नहीं, बहुत ही आसान ट्रिक से, तो इसी तरह से हम दूसरी ट्रिक भी आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। आज का टाइप रहने वाला है हमारा 0 डिग्री से और 180 डिग्री से और 90 डिग्री से। ये आज हम दूसरे टाइप में तीनों कोण जानेंगे हम इसके बारे में कैसे करना है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो अगर सीखना है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपको बहुत ही इजी ट्रिक देने वाले हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं आज हम टाइप टू। टाइप टू इसमें हम आज देखेंगे 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे पहले हमने पहले टाइम में जो बता दिया था एक घड़ी को बनाकर, तो इसी तरह से हम इसमें भी एक घड़ी को बनाकर आपको समझाने के लिए यह घड़ी बनाई जाती है, ताकि आप इजीली तरीके से, आप बहुत ही आसान से सीख जाओ। तो देख लेते हैं घड़ी में, जैसे यहाँ पर होता है 12, यहाँ पर होता है 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर होता है हमारा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमारा होता है 10 और यहाँ पर होता है हमारा 11। हमें पता है कि घड़ी में 3 सुइयाँ होती है, एक तो घंटे वाली, दूसरी मिनट वाली, तीसरी होती है हमारी सेकंड वाली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री की। सबसे पहले बात करेंगे हम 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, चाहे 0 डिग्री का हो, चाहे 180 डिग्री का हो, चाहे 90 डिग्री का हो। इसमें हमें क्या याद रखना है, 12/11 गुणा मिनट। इसी से हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, 0 डिग्री का हो या 180 डिग्री का हो या फिर 90 डिग्री का। इसी सूत्र से हम बिल्कुल आंसर लेकर आने वाले हैं आपके सामने। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको बताएंगे, चाहे 24 डिग्री का पूछ ले, चाहे 5 डिग्री का पूछ ले, चाहे 54 डिग्री का पूछ ले, कोई सी भी डिग्री का पूछ ले, इनको छोड़कर इनमें से कोई सा भी पूछ ले, चाहे 10 डिग्री का पूछ ले, 11 डिग्री का पूछ ले, 15 डिग्री का पूछ ले, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से। सीखने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको सीखना है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, चलिए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलना, और उसमें हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे हम आपको, बहुत ही आराम से, ताकि आप घड़ी को बहुत ही आराम से सोल्व कर सको। क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपके पास तो आप बहुत ही इजीली तरीके से कर पाओ। तो 0 डिग्री कोण निकालने के लिए हमें घड़ी में देखना है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब हमारी मिनट की और घंटे की सुई
क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो एक दूसरे के ऊपर कब होगी मैं, 12 बजे। यहां से तो टाइम स्टार्ट होता है हमारा, तो यहां से जब हमें पता चला कि 12 बजे क्या होगा, 0 डिग्री का कोण होगा, यानी घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो तब क्या बनेगा हमारा, 0 डिग्री का कोण। ठीक है, हमें यही क्या मान लेना है, बेस मान लेना है। 0 डिग्री का कोण निकालने के लिए क्या मानना है हमें, 12 बेस मानना है। समझते रहे, बहुत ही आसान तरीके से बता देंगे हम इसको क्या मानना है, बेस। क्या मानना है इसको, बेस मानना है 12 को। क्या करना है आगे, धीरे धीरे समझना। अगर 0 डिग्री निकालना है तो हमें 12 बेस मानना है, और क्वेश्चन में आ जाए आपके पास, क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि 4 व 5 बजे के बीच, 4 व 5 बजे के बीच, घंटे मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का कोण कब होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, फिर लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेकिन उसमें 0 डिग्री का बताना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन की लाइन में दे दिया होगा कि 0 डिग्री का पूछ रहा है, या फिर 180 डिग्री का पूछ रहा है, या फिर 90 डिग्री का पूछ रहा है, इतना हमें क्वेश्चन से पता चल जाता है। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास आ जाए कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमें बताना है किसके बीच, 4 और 5 बजे के बीच। तो देख लेते हैं, हमेशा हमें छोटे टाइम तक ही जाना है, हमेशा छोटे टाइम तक जाना है, क्योंकि 4 और 5 बजे के बीच की बात हुई है, 5 के बाद की नहीं। तो देख लेते हैं, 4 और 5 बजे के बीच, इसके बीच 4 और 5 बजे के बीच हमें बताना है 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, किस टाइम बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, जब ही तो 0 डिग्री का कोण होगा। तो देख लेते हैं करने का तरीका क्या है हमारा, जब भी इस तरह से पूछ ले कि 5 और 6 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच, या 2-1 के बीच, 6-7 के बीच, इस तरह से अगर पूछ ले, तो हमें छोटे टाइम तक काउंट करना है। क्या काउंट करना है, यहां से लगाकर, यानी जहां से हमने बेस माना, उस बेस से लेकर छोटे टाइम तक हमें मिनट काउंट करनी है। जो बेस है वहां से लगाकर जो छोटा टाइम है वहां तक क्या करना है, हमें मिनट काउंट करनी है, मिनट जोड़नी है। तो यहां तक 4 बजे तक कितनी मिनट हुई, यानी यहां से जहां से बेस माना, यहां इस बेस से 4 बजे तक जो मिनट की सुई है वो यहां तक आने में कितनी मिनट गुजारी, तो कितनी मिनट चली वो यहां तक आने में, 20 मिनट। यहां तक कितनी मिनट आई वो, 20 मिनट। बस अब हो गया आसान, 20 मिनट जब यहां तक आ गया, उसके बाद हमें रख देना है सूत्र के अंदर, इसके साथ कहां पर रखना है, इस सूत्र में। एम होता है हमारी मिनट जो कि चली गई है, ये वाली एम हमारी क्या है, मिनट जो यहां से यहां तक चली गई दूरी है, कितनी मिनट चली है। तो 12/11, 12/11 गुना मिनट, मिनट कितनी हमारी, 20। ठीक है, बस इतना कर देना है और आपका आंसर आने वाला है। इतना करने के बाद आंसर बिल्कुल आने वाला है। कैसे, इनके आपस में गुणा कर लो, 12 × 2 = 24, 240, 240/11। अब 240 को 11 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे, जिसको नहीं आती वो इस तरह से कर सकता है, इस तरह
तरह से भाग कर सकता है, और जिसको आती है वो सीधी डायरेक्ट भी कर सकता है, जैसे कि 11 दुनी 22, ये 24 था, कितने बचे हमारे पास, 2 बचे, क्योंकि 22 तक पूरा कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 20, जब यहाँ पर 2 बचा तो ये 0 भी तो ऐड होगी साथ में, कितना हो गया 20। अब 20 को 11 से भाग करो, 11 एकम 11, कितने बचे 9 बचे, कितने बचे 9 बचे, 9 बटे 11, क्योंकि अब 11 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट हम लगा नहीं सकते, इसी में आंसर आ गया हमारा। क्या आया आंसर, आया हमारा 21 9 बटे 11, जो उसने टाइम पूछा था, क्या पूछा था, 4 और 5 बजे के बीच, तो 4 और 5 बजे के बीच ही तो बताना है, तो 4:21 9/11 सेकंड, यही हमारा क्या आ गया, बिल्कुल आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा ही काम करना है आपको, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें करने के लिए, मैंने बहुत ही आसान तरीका बता दिया, जो कि 0 डिग्री में भी यही लगेगा, 180 डिग्री में भी यही लगेगा, और 90 डिग्री में भी यही लगेगा। यहां से हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाना है, तो एक बार फिर देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। 4 व 5 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, क्वेश्चन की लाइन थी, तो 4 और 5 बजे के बीच बताना है, तो 4 और 5 यहां पर, यानी इसके बीच बन, इसके बीच क्या बताना है कि 0 डिग्री का कोण किस टाइम बनेगा। तो हमने जब देखा, मैंने बताया कि बेस क्या मानना है, 12 को मानना है, क्यों मानना है, क्योंकि हमारे जो मिनट की और घंटे की सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर होगी तो 0 डिग्री का कोण बन जाएगा, और हमारा यहां से ही स्टार्ट होता है घंटा, यानी मिनटों की संख्या भी यहीं से स्टार्ट होती है, 12 के बजे के बाद दोबारा रिपीट हो जाता है, तो यहां से ही क्या करना है, बेस मान लेना है, जो कि 0 डिग्री का बेस होगा, और छोटे टाइम तक हमें मिनट काउंट करनी है, छोटे टाइम तक हमें मिनट काउंट करनी है, जो भी देगा, या चाहे यहाँ 5 और 6 बजे के बीच दे दो, तो हमें छोटा टाइम लेना है 5 बजे। तो इसी तरह से हमने लिया, 4 और 5 बजे के बीच बात हुई थी, 4 और 5 बजे के जब बीच की बात हुई तो हमने क्या करना है, छोटे वाले टाइम तक हमें मिनट काउंट कर लेनी है, छोटे वाले टाइम तक मिनट काउंट करनी है। मिनट काउंट करने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने बेस माना था वहां से लेकर छोटे टाइम तक कितनी मिनट गुजरी या कितनी मिनट तक चला, उसको काउंट कर लेना है, और हमें रख देना है सूत्र के साथ, हमें रख देना है सूत्र के साथ, सूत्र के साथ जब रख दिया जाएगा हमारा आंसर बिल्कुल बहुत ही फास्ट आ जाने वाला है। फिर कितने मिनट चलाओ, 20 मिनट, 20 मिनट रख दी, 20 मिनट रखने के बाद क्या किया, 12 बटे 11 रखने के बाद गुना में 20, हम अब क्या करते हैं, इनके आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कर दिया हमने मल्टीप्लाई, फिर कर देना है 11 से भाग, 11 से क्या कर देना है, डिवाइड, 11 से जब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 21 सही 9 बटे 11, यही हमारा क्या आने वाला है, बिल्कुल आंसर। तो टाइम क्या हो रहा था उस टाइम पे, ये 4:21 9/11, 4:21 सही 9/11, तो इस टाइम हमारा क्या हो रहा था, 0 डिग्री का कोण बन रहा था। तो 4:21, 21 मिनट कहां पर होगी, ये 4 बज गया यहां पर, ये बजा 4, 4 बजने के बाद 21 मिनट हो रही थी, 4×5=20, यानी 20 मिनट तो यहां तक आया, 1 मिनट और आगे सरका, 1 मिनट और आगे सरका, और यहीं पर क्या आ गया हमारी
घंटे वाली और मिनट वाली सुई आ गई और 9/11 सेकंड, 9/11 सेकंड जो सेकंड वाली सुई है वो कहां पर होगी हमारी, इस साइड में। इस साइड में कहां पर होगी, वहां पर। लेकिन हमें क्या बताना है, 0 डिग्री का कोण। तो किस टाइम बनाया इसने कि 4:21 मिनट 9/11 सेकंड। तो यहां तक हमारा क्या हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि आपने बहुत ही आराम तरीके आराम से सीख लिया। तो इसी तरह से चलते हैं अब क्वेश्चन की लाइन पर, चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर हमें बहुत ही स्पीड से कैसे देना है उसको देख लेते हैं, बहुत ही फास्ट। क्वेश्चन फैलाए हमारा 3 व 4 बजे के बीच घंटे व मिनट, घंटे मिनट की सुई आपस में 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। क्वेश्चन था हमारा 3 व 4 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो हमें किस टाइम बताना है, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच हमें क्या बताना है, 0 डिग्री का कोण। 0 डिग्री का कोण देख लेते हैं, 0 डिग्री का कोण किस टाइम बनाना है इसको, 3 और 4 बजे के बीच। हमें बताना है 3 और 4 बजे के बीच। तो 3 और 4 बजे के बीच जब हमने चलाया, देखो 3 और 4 बजे के बीच यानी इसके और इसके बीच, यानी यहां पर पूछ रहा है कि 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी, 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो कब बनाएगी, मैंने जो बताया था, जो हमारा बेस है, बेस क्या है हमारा, बेस क्या है हमारा 12। जब हमारा बेस 12 है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, जो यहां तक जो बेस था हमारा, यहां से यहां तक कितनी मिनट चला, यहां से यहां तक कितनी मिनट चला, वो 15 मिनट, कितनी मिनट चला 15 मिनट। और हमें रख देना है सूत्र के साथ 12/11 गुना मिनट, हमें रख देना है सूत्र में। तो 12/11 गुना में कितनी मिनट है हमारी, 15 मिनट। अब इनकी आपस में क्या करना है, गुना करना है और भाग कर देना है 11 से। करते हैं 12 पंजे 60 हासिल को लगे 6, 12 एकम 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, कर देना है हमें 11 से भाग। अब कर देते हैं 11 एकम 11 कितने बचे हमारे पास, 11 एकम 11 कितने बचे 7, ये हो गए कितने 70, 11 छिका 66 कितने बचे 4, 4/11 ये आ गया हमारा आंसर। तो 3:16 मिनट 4/11 सेकंड ये क्या आ गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि 3:16 मिनट
चार बटे ग्यारह सेकेंड पर क्या होगा हमारा, जीरो डिग्री का कोण बनाएगी। सुई कहां पर होगी हमारी, यहां पर। कहां पर होगी सुई, यहां पर। और जो सेकेंड की सुई है वो कहां पर होगी हमारी, यहां पर होगी। कहां पर होगी, यहां पर। ये हमारा क्या आ गया, तीन और चार बजे के बीच जीरो डिग्री का कोण। तो किस टाइम बनाने वाली है, 3:16:04:11। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का तरीका, कैसे करना है कैसे नहीं। अगर आ रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक का बटन दबा दें और साथ में शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड को, क्योंकि बहुत ही इजी ट्रिक से हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें, ताकि ये आपका बहुत फायदा हो जाए। हम आपको फायदा देने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 9 और 10 बजे के बीच, 9 व 10 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई के बीच जीरो डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो देख लेते हैं, अब क्या करना है हमें, 9 और 10 बजे के बताना है हमें बीच में कि जीरो डिग्री का कोण कब बनाएगी। ये रहा हमारा टाइम 9 और 10 बजे के बीच, 9 और 10 बजे के बीच। मैंने जो बताया था, जो बेस था हमारा क्या था, 12। हमारा बेस क्या था, 12। और 12 से हमें काउंट करना है कहां तक, छोटे टाइम तक। कहां तक करना है, छोटे टाइम तक। तो कर लेते हैं, 12 बजे से हमारे मिनट की सुई स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी, वो छोटे टाइम तक, छोटे टाइम तक, छोटे टाइम तक हमारी सुई पहुंच चुकी। और यहां तक कितना टाइम लिया उसने आने में, कितनी मिनट उसने आने में ली, तो कितनी मिनट ली काउंट कर लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 5, 45। कितनी ली इसने मिनट, 45 मिनट। 45 मिनट ली, तो हमें क्या कर देना है, 12/11 × 45। ये करने के बाद हमारा बिल्कुल आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ गया। तो हमें क्या करना है, अब इसके आपस में गुणा कर देनी है और 11 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। 12×5=60, हासिल को कितने लगे, 6। 12×5=60, उतार ली 0, हासिल को कितने, 6। 12×48, 48 और 6 कितने हो गए हमारे, 54। 48 और 6 कितने हो गए, 54। और कर देना है पूरे को 11 से भाग। कर देते हैं, 11×44, 11×44 कितने बचे इसमें से, 6 और 4 10, ये हो गया हमारा 100। 11×99 और कितना बचा, 1/11। बात समझ में आ रही है कैसे कट रहा है। तो हमारा टाइम क्या हो रहा होगा, 9:49, 1/11 सेकेंड। यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आ रही है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं आ रही तो हमें जल्दी बता दे, ताकि हम दोबारा से समझा सके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे, यानी 0 डिग्री का हो गया, उसके बाद हम करते हैं 180 डिग्री का, एक क्वेश्चन और करते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे, 0 डिग्री का, 180 डिग्री का और 90 डिग्री का।
एक क्वेश्चन और लेते हैं 0 डिग्री पर, उसके बाद करते हैं हम 180 डिग्री की चर्चा। कैसे करना है वो भी ऐसे ही करना है, बहुत ही आराम से। तो लेते हैं एक क्वेश्चन और। सात और आठ बजे के बीच, सात व आठ बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो देख लेते हैं, सात और आठ बजे के बीच करते हैं, सात और आठ बजे के बीच की बात। तो जो हमारी जो सुई है वे कहां पर है? सात और आठ बजे के बीच। तो यहां पर क्या बनाएगी वो? 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कैसे, यह टाइम क्या है? तो चलो निकालते हैं। बात हुई है सात और आठ बजे के बीच, सात और आठ बजे के बीच हमें हमेशा छोटा टाइम लेना है, हमेशा छोटा टाइम लेना है। और वहीं तक क्या करना है, हमें मिनट काउंट कर लेनी है जो हमने बेस मान रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक जब हमारी सुई आ चुकी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया, कितनी मिनट ली? तो यहाँ तक कितनी मिनट ली? 35 मिनट। यहाँ तक कितनी मिनट ली? 35 मिनट। अब 35 मिनट ली तो हमें क्या कर देना है, 12/11 गुणा कितनी मिनट है हमारे पास? 35। कितनी मिनट है हमारे पास? 35। उसके बाद अब क्या कर देना है, इनके आपस में गुणा कर देनी है। हासिल कुल लगे 6, 12 + 36, 36 और 6 कितने हो गए? 42। ये कितना हो गया? 420। 420 को अब क्या करना है, 11 से भाग करना है। 11 + 33, यहाँ पर कितने बचे? 40 तक 7 और 2 ये थे 9, ये कितने हो गए हमारे पास? 90। 11 + 88 कितने बचे? 2/11। बस यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 7:38, 2/11, यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो कुछ पॉइंट है इसके 0 डिग्री के, वे हम नोट करते हैं अगर आपने कर लिया हो तो। हमारी जो 180 डिग्री की और 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है, एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनता है। और 90 डिग्री का कोण या और कोई सा भी कोण हो, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 54 डिग्री, 12 डिग्री, कोई सा भी टोटल, वो एक घंटे में 2 बार कोण बनता है, एक घंटे में 2 बार कोण बना लेती है जो सुई होती है हमारी, ठीक है। अब जो 0 डिग्री का कोण है वो हम देखते हैं कि 11 से लेकर 12 तक 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी? 11 और 12 बजे के बीच वो कोण नहीं बनाएगी। यानी कि अगर निकाल कर भी देखना चाहें तो देख लेते हैं कि 11 और 12 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनाएगी। तो हमें करना है क्या, 12/11 और जो बेस माना था यहाँ से यहाँ तक छोटे टाइम तक 11 बजे तक कितने मिनट चला? 55 मिनट। 55 मिनट जब चला तो क्या करना है हमें, कर देते हैं 11 × 55, 12 × 60, यह क्या आ गया हमारा मिनट, ये क्या आ गया हमारा मिनट। यानी कि 60 मिनट जब हो चुके तो उस टाइम तो हमारे 12 बज गए,
तो जब हमारे 12 बज गए तो हमारा 0 डिग्री का कोण कहां पर होगा? 12 बजे पर। कहां पर होगा? 12 बजे पर। तो इसी तरह से क्या करना है, हमें नोट कर लेना है। नोट, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण 11 बार और 24 घंटे में हमारा कितना बनेगा? 22 बार। 24 घंटे में कितना? 22 बार हमारा 0 डिग्री का कोण बनता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, आगे की ओर चलना है। अब देख लेते हैं हमारा 180 का कोण। 180 का कोण, अब 180 की ओर चलते हैं। 180, अगर हमें 180 का कोण निकालना है तो हमें अब क्या करना है, हमने 0 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमने 12 बेस लिया था, अब 180 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो देख लेते हैं हमें क्या करना है। अब अगर मैं पूछने लगूं कि 180 डिग्री का कोण कब बना सकती है हमारी घड़ी, 180 का कोण कब बना सकती है, जब हमारा घंटा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो हमारी मिनट की सुई और घंटे की सुई कहाँ पर होगी? एक सुई हमारी कहाँ पर होगी? 6 पर, जो कि हमारे घंटे वाली है, और एक सुई हमारी कहाँ पर होगी, जो हमारी मिनट वाली सुई है, वो कहाँ पर होगी? 12 पर। तो हमने जब देखा कि जब 0 डिग्री का कोण बना रही थी तो सुई आपस में एक दूसरे के ऊपर थी, वो किस टाइम थी? 12 बजे, जब हमने क्या लिया था? 0 डिग्री का। लेकिन अब हमारी घंटे वाली सुई कहाँ पर है? 6 पर। तो हमें क्या करना है, हमें अब 6 बेस मान लेना है। हमें क्या करना है, 6 बेस मान लेना है। करना वही है जो अब तक करते आ रहे थे। जैसे हमने कहा था 7 और 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण, तो हमने क्या किया था, 12 बजे से हमने काउंट कर लिया था छोटे टाइम तक। अब वही हमें इसमें करना है, जो हमें बेस लिया है, ये हमने क्या लिया है, बेस लिया है, अब इससे काउंट करेंगे। अब हम कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे, जो भी हमारा छोटा टाइम होगा। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि 8 व 9 बजे के समय में कब घंटे व मिनट, की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी? क्या बताना है हमें, 8 व 9 बजे के समय में कब घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी? ठीक है, तो अब हम करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। बिल्कुल इसी तरह से करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो टाइम क्या है हमारा, 8 व
9 बजे के बीच, 8 व 9 बजे के बीच, तो कहाँ की बात हो रही है हमारी, यहाँ पर 8 और 9 बजे के बीच, यानी इसके और इसके बीच क्या बना रही होगी, 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का कोण जब बनाएगी तो हमारी सुई कहाँ पर होगी, इस तरह से लंबवत होगी, इस तरह से होगी, यानी आमने सामने हमारी क्या होगी, सुइयां होगी, तब हमारा कोण क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो करते हैं, 8 और 9 बजे के बीच की बात हुई, तो हमें क्या करना है, जो हमने बेस मान लिया था जो कि 6 था, अब वहां से लेकर हमें छोटे टाइम तक चलना है और मिनट काउंट करनी है। हमने पहले यहां से काउंट किया था जो 12 बजे से किया था, अब हमने जो बेस माना है वो 6 बेस माना है, 6 बेस मानने के बाद हमें मिनट इतनी ही काउंट करनी है छोटे टाइम तक जो हमें क्वेश्चन में बताया है। तो 8-9 बजे के बीच बताना है हमें, तो 6 बजे से 8 बजे तक हमें क्या लेना है, टाइम लेना है, हमारी कितनी मिनट चली, तो 5 मिनट ये चली, 5 मिनट ये, कितनी मिनट हो गई हमारे पास, 10 मिनट। जो बेस माना था बेस से लेकर 8 बजे तक कितनी दूरी तय की, तो 10 मिनट की दूरी तय की। हमारा फॉर्मूला क्या था, 12/11 गुना मिनट, हम मिनट हमारे पास आ गई जो गुना हमारी कितनी थी, 10 मिनट, तो हमें कर देना क्या, 12 दुसाम 120 बटे 11, तो 11 दुसाम 110 कितना बचा हमारा, 10 10 बटे 11, यही क्या आ गया हमारा, बिल्कुल आंसर आ गया। तो हमारा क्या आ गया, 8:10 10/11, ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम चलते हैं एक दो क्वेश्चन की ओर, फिर करते हैं हम 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, 90 डिग्री का कोण कैसे निकालते हैं और कैसे बनता है। इसमें भी हमें कुछ पॉइंट नोट करने हैं जो बहुत ही काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, 2 और 3 बजे के बीच, 2 व 3 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देख लेते हैं, 2 और 3 बजे के बीच हमें देखना है यहाँ पर, तो जो हमें 180 डिग्री का कोण निकालना है, तो कहाँ पर होगी सुई हमारी, इस तरह से, कैसे होगी हमारी सुई, इस तरह से, यानी सुई हमारी क्या, आमने सामने। तो करते हैं, 2 और 3 बजे के बीच हमें बताना था, तो बेस हमने क्या लिया था, 6, जब बेस हमने 6 लिया था तो हमें काउंट करना है कहाँ तक, छोटे टाइम तक, काउंट कहाँ तक करना है, छोटे टाइम तक, छोटे टाइम तक हमने काउंट किया, तो कितनी मिनट चला, यहाँ से यहाँ तक कितनी चलाओ, 30 30 और 5 35 और 5 40, कितनी मिनट चला, 40 मिनट जब चला, हमारा सूत्र था 12/11 × 40, 12/11 × 40, यहाँ पर हमने क्या किया, 12 × 48 480/11, तो 480 को हम क्या करते हैं, 11 से भाग करते हैं, 11 × 44 कितना बचा हमारे पास, 4, 11 11 33 कितने बचा हमारे पास, 7/11, क्या आ गया हमारा, 11, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, यानी 2:43 7/11, यही क्या आ गया हमारा, बिल्कुल आंसर आ गया। बात समझ में आ गई है, तो अगर आ गई है तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि हमारा 90 डिग्री का है। चलिए इसमें कर लेते हैं कुछ नोट्स, नोट कर लेते हैं कुछ बातें। देखते हैं
जो हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है वो 6 और 7 बजे के बीच नहीं बनता, 6 और 7 बजे के बीच नहीं बनता। और हमारा 6 और 7 बजे के बीच नहीं बनता है हमारा कोण, ठीक है। चलो निकाल कर देख लेते हैं पहले 6 और 7 बजे के बीच बनता है कि नहीं। तो 6 और 7 बजे के बीच वो खुद भी पता लग सकता है। देखो 6 और 7 बजे के बीच जब बनेगा कोण, तो जब हमारी सुई कहाँ पर होगी, बिल्कुल 6 पर होगी, तभी हमारा कोण बनेगा। अगर हमारी सुई आगे बढ़ गई तो हमारा कोण नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा ये वाला कहाँ पर होगी, इस साइड में होगी, तो हमारा कोण बिल्कुल फाइंड नहीं हो सकता। तो कर लेते हैं, जैसे देखते हैं 6 से 7 बजे के बीच बनाना है तो हमें पूरा राउंड घुमाना है। कितनी मिनट चलाओ, 60 मिनट। कितनी मिनट चला, 60 मिनट। और हमें कर देना है किससे, 12/11 से। तो कर देते हैं 12/11 गुणा 60। बारह छिक 72, 720 बटे 11, 11 छिका 66, कितने बचे हमारे पास, 11 छिका 66, 66 4 और 2 6, ये कितना हो गया 60, 11 पंजे 55, हमारा कितना बचा, 5/11, कितना बचा, 5/11। तो टाइम क्या हो रहा होगा हमारे पास, जो 6 और 7 बजे के बीच पूछा था, तो हमारा क्या हो रहा होगा, 6:65, 5/11। लेकिन हमारी मिनट कितनी होती है, 60 मिनट। लेकिन हमारे पास कितनी मिनट आई, 65 मिनट। हमारे पास कितनी मिनट आई, 65 मिनट। तो जब 65 मिनट आई तो हमारी सुई कहाँ पर पहुंच गई होगी, कहाँ पर पहुंच गई होगी, 7 तो यहाँ पर बज गए होंगे, ये वाला 7 तो यहाँ पर बज गए होंगे। लेकिन क्या है कि 5 मिनट और, तो 5 मिनट हमारी कहाँ हो गई होगी, यहाँ पर 5 मिनट कहाँ पर हो गई होगी, यहाँ पर, जो कि हमारा किस टाइम बनेगा, किस टाइम बनेगा, 6 और 7 बजे के बीच बिल्कुल नहीं निकल कर आ रहा है। तो कहाँ पर आ रहा है हमारा, 6:65, 5/11 सेकंड पर, यानी 7:05, 5/11 सेकंड पर। कितनी मिनट चला आगे, वो 5 मिनट और एक्स्ट्रा चल गए। यानी हमने देखा यहाँ पर 6 और 7 बजे के बीच बिल्कुल भी कोण नहीं बन रहा है। तो इसी तरह से हमें पता चला कि 6 और 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बन सकता, 180 डिग्री का कोण नहीं बन सकता। तो चलिए नोट कर लेते हैं, जो कि हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है वो एक घंटे में एक बार बनता है, एक घंटे में एक बार बनता है। परंतु लेकिन 6 व 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। और 5 व 6 बजे के बीच
पांच व छह बजे के बीच एक सौ अस्सी डिग्री का कोण नहीं बनता है। नहीं बनता है। पांच से छह, छह से सात, इनके बीच कोण नहीं बनेगा 180 डिग्री का। कोण कहां पर बनेगा हमारा? बिल्कुल छह बजे, बिल्कुल छह बजे। देख लेते हैं पांच और छह बजे के बीच बनता है क्या। पांच और छह बजे के बीच बनता है क्या? तो हमने बेस क्या मान रखा था? छह। तो यहां से यहां तक पांच बजे तक कितनी मिनट चल गई? 55 मिनट। 12 बटे 11 गुना 55, 11 पंजे 55, कितना बचा? 5। हमारा कितना है? 5। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ये क्या आ गया हमारी मिनट, ये क्या आ गया हमारी मिनट। जब हमारी ये मिनट आई तो 5 और 6 बजे के बीच तो आया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी 60 मिनट हो चुकी, क्योंकि पूरी 60 मिनट हो चुकी। जब पूरी 60 मिनट होगी तो हमारा कोण कब बनेगा? पूरे 6 बजे। तो हमने यहां पर देख लिया 5 और 6 बजे के बीच कोण नहीं बनेगा, 6 और 7 बजे के बीच कोण नहीं बनेगा। दो बात हमने बिल्कुल नोट कर ली है। तो क्या करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम 90 डिग्री कोण पर। कहां पर चलते हैं? 90 डिग्री कोण पर। तो जैसे हमने 0 डिग्री का 12 बेस मानना हुआ था, 180 डिग्री का 6 बेस मानना हुआ था, अब आई 90 डिग्री की बात। तो 90 डिग्री की बात आई तो हमें अब क्या बेस मानना है? 90 डिग्री की बात आई तो हमें क्या बेस मानना है? तो देखते हैं। अब 90 डिग्री जब बेस मान लिया तो क्या बेस माने? देखो, बात आई 90 डिग्री की। 90 डिग्री का कोण कब कब बनेगा? एक तो हमारे पास सुई इस साइड में होगी, तब हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री का कोण, या फिर हमारी सुई इस साइड में होगी तब बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण। यानी कि अब हम क्या करें, जब हम 0 डिग्री की बात कर रहे थे तो हमें दोनों सुइयां एक साथ मिली थी, यानी एक दूसरे के ऊपर मिली थी, तो हमने बेस 12 लिया था। और उसके बाद 180 थी, 180 का कोण था, तो हमारे पास क्या था? 6 बजे का बेस था। अब हमारे पास क्या है? डबल कोण बन रहा है, एक तो 9 बजे पर और एक 3 बजे पर। हमारा क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। तो हमें क्या करना है? अब हमें जो बेस लेना है वो क्या लेना है? एक तो 9 बजे का बेस लेना है और एक हमें 3 बजे का बेस लेना है। क्वेश्चन में हमारे आंसर दोनों से आएंगे, जो भी आंसर आएगा पहले इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, या फिर इसका भी और इसका भी, दोनों एक साथ होंगे। जैसे कि क्वेश्चन में अभी बताता हूं तुम्हें कि क्वेश्चन कैसे होगा और उसके आंसर हमें कैसे निकालने हैं। चलिए देख लेते हैं। हमें बेस क्या मानना है? अब एक तो 9 बेस मानना है और एक 3 बेस मानना है। आंसर हमें दोनों से निकालने हैं, आंसर हमें दोनों से निकालने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हम क्वेश्चन है 6 व 7 बजे के बीच, 6 व 7 बजे के बीच
घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? कब बनेगा या कब बनाएगी? कब बनाएगी? बनाएगी कर लेते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 6 व 7 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब बनाएगी? तो हमें क्या करना है, एक तो हमें 3 बेस लेना है और दूसरा में 9 बेस लेना है। अब हमें क्या करना है, बेस हमारे पास 2 आ गए, तो पहले हमें आंसर किससे बताना है और हमें किससे दूसरा आंसर बताना है और हमें आंसर कैसे निकालना है। तो देख लेते हैं, 6 और 7 बजे के बीच की बात आई, यानी कि इनके बीच क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बताना है कि कब बनाएगी। तो हमें क्या करना है, अब जो हम कर रहे थे अब तक करना वही है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 3 बेस मानते हैं। 3 बेस मानने के बाद हमें क्या करना है, छोटे टाइम तक हमें जाना है। छोटे टाइम तक गए तो टाइम क्या हो रहा है हमारे पास, 6 और 7 बजे के बीच बताना है। तो हमें यहाँ तक कितनी मिनट चली हमारी मिनट की सुई, तो उसको काउंट कर लेना है और हमें क्या कर देना है, 12/11 से गुणा कर देनी है। तो 5 मिनट और 5 मिनट कितनी हो गई, 5 और 5 10 और 5 15 मिनट होगी हमारी यहाँ तक, 15 मिनट हो गई। तो हमें क्या कर देना है, 12/11 × 15। अब 12×5=60, ये लगे हमारे 6 हासिल को, 12×1=12 और 6 कितना हो गया हमारा, 18। कर देना है हमें 11 से भाग, 11×11 कितने बचे, 7 ही हो गए 70, 11×6=66 और बचे कितने, 4, 4/11 आया। क्या आंसर हमारा, एक हमारा आंसर आया जो फर्स्ट है, वो क्या है कि 6:16 4/11, एक तो हमारा ये आंसर आया है और एक आंसर और आने वाला है हमारा, जो कि वो भी आंसर है हमारा, और ऑप्शन में हमें दोनों में से एक आंसर मिलेगा या फिर हमें आंसर दोनों मिलेंगे और उसमें एक ऑप्शन होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। तो कर लेते हैं अब 9 वाले से, अब 9 बेस माना तो हमें क्या करना है, हमें छोटे टाइम तक जाना है, छोटे टाइम तक कहाँ तक, 6 बजे तक, और यहाँ तक करना है, क्या करनी है, मिनट जोड़ लेनी है। हमें करना है कि यहाँ से यहाँ तक की मिनट जोड़ लेनी है, जो कि 9 बजे से 6 बजे तक है। तो कितनी है हमारे पास, 45 मिनट। जब हमारी 45 मिनट आ गई तो हमें क्या करना है, 12/11 × 45। अब करना है 12×5=60, कितने हासिल लगे, 6। 12×48, 48 और 6 कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54, ये हो गया हमारा 540। और कर देना है 11 से भाग, 11×44 कितने बजे, 6 और 4 10, ये हो गया 100। 11×99 1/11 हमारा दूसरा आंसर आ गया, जो कि हमारा क्या है कि 6:49 1/11, ये हमारा दूसरा आंसर। अब ऑप्शन में हमें मिलेगा, या तो हमारा आंसर ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा या फिर हमारे दोनों आंसर में मिलेंगे, ऑप्शन मिलेगा हमारा ए और बी, दोनों बिल्कुल
आंसर हैं, बिल्कुल सत्य हैं। तो ऐसे हमारा 90 डिग्री का कोण निकलेगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा 90 डिग्री का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और समझने में भी फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक वीडियो देखा नहीं जाता। तो इसलिए हम छोटी छोटी पार्ट में छोटी छोटी वीडियो डालते हैं, ताकि आप सीख जाओ बहुत ही आसान तरीके से, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें कुछ फिर पॉइंट्स नोट करने हैं आपको 90 डिग्री में भी। तो चलिए करते हैं। ग्यारह और बारह बजे के बीच, 90 डिग्री का कोण बताना है। तो देख लेते हैं 11 और 12 बजे के बीच, तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन जो बेस माना है उससे काउंट करना है, उसके बाद हमें 9 से काउंट करना है छोटे टाइम तक। तो 5 से काउंट करते हैं हम, इधर से बैच चले जाते हैं 5, 10, 15 और 5, 20। 20 मिनट यानी कि 60 में से 20 मिनट माइनस करो तो कितने मिनट आया, 40 मिनट। इधर से काउंट करेंगे तो यहाँ तक 40 मिनट ही आने वाली है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 35, 40, यहाँ तक कितने मिनट आई, 40 मिनट। तो जो हमारा पहला आंसर आने वाला है, तो देख लेते हैं हम 12/11 × 40, 12 × 48, 480/11, 11 × 44, कितना बचा हमारे पास, 4 ही हो गया 40, 11 × 33, 7/11, ये हमारा आ गया पहला आंसर। तो क्या था हमारा कि 11:43, 7/11, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करना है तो कितने मिनट चला, 10 मिनट, 10 मिनट जब चला तो 12/11 × 10 क्या करना है, 120, 120 जब हुआ 11 से करते हैं भाग, तो 11 × 2 = 110 कितने बचे, 10/11, ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, जो कि 11:10, 10/11 सेकेंड, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर, जो कि क्वेश्चन में मिलेगा आपको। आंसर जो फर्स्ट है, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, या फिर दोनों आंसर मिलने वाले हैं। तो इसी तरह से आज हमने सीखा, एक तो 0 डिग्री का कोण, और दूसरा 180 डिग्री का कोण, तीसरा हमारा 90 डिग्री का कोण। इसमें कुछ नोट कर लेते हैं कुछ बातें जो आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है, जो 90 डिग्री की है। जैसे कि हमने 180 डिग्री का, 0 डिग्री की हमने नोट कराई थी बातें, तो इसी तरह से हम इसमें भी थोड़ा नोट कर लेते हैं कि कितनी देर में, कितने घंटे में, कितनी बार कोण बना लेगी, यानी कितनी बार हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। मैंने बताया कि एक तो 0 डिग्री में और 180 डिग्री में, एक घंटे में एक बार कोण बनाएगी हमेशा। लेकिन इसमें मैंने कुछ नोट करा दिया है, जो मैंने पीछे बताया आपको, उसमें आप देख सकते हो। तो बताना है 90 डिग्री में नोट करते हैं कुछ बातें। नाइन्टी डिग्री का जो हमारा पॉइंट है पहला, 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में
दो बार कोण बनाती है। प्रत्येक घंटे में दो बार कोण बनाती है, लेकिन लेकिन तीन चार बजे के बीच तीन व चार बजे के बीच वह नौ व दस बजे के बीच 90 डिग्री का के बीच 90 डिग्री का कोण एक बार बनाती है, एक बार बनाती है। 90 डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार बनाती है, और लेकिन तीन व चार बजे के बीच वह नौ व दस बजे के बीच एक घंटे में 90 डिग्री का कोण सिर्फ एक एक बार बनाती है। ठीक है, बात क्लियर। जो हमारी तीन व चार बजे के बीच और नौ व दस बजे के बीच जो टाइम होता है वो सिर्फ 90 डिग्री का कोण एक बार बनाते हैं, वरना हर कोण यानी 4 से 5 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच कोण हमेशा दो बार बनेगा, कोण हमेशा दो बार बनेगा। यानी कि कोई सा भी घंटा ले लो, ले कौन सा छोड़कर 3 और 4 बजे के, 9 और 10 बजे का टाइम छोड़कर बाकी टाइम दो बार कोण बनाती है। बात क्लियर होगी। तो अब क्या करना है हमें, आज कर लेते हैं हम यहीं तक, बाकी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि घड़ी का टाइप होगा टाइप 3, वो हम कल देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ में शेयर भी कर दे, बेल आइकन भी दबा दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो आज रखते हैं हम यहीं तक क्लास। चलिए, थैंक यू।